हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ दही वाली फ़िश करी। इसके लिए मैंने यहाँ 600 ग्राम रोहू मछली ले लिया है। उसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले ताकि सारी मछली में हल्दी और नमक अच्छे से लग जाए। इससे हमारी फ़िश फ्राई करते वक्त टूटेगी नहीं, अब बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ। आप भी जब भी फ़िश मिक्स करना तो हाथों से ही अच्छे से मिक्स करना, कि हाथ से ही अच्छे से मिक्स हो पाती है। ये देखिए, मैंने अच्छे से यहाँ पे फ़िश को मिक्स कर लिया। फ़िश अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ले क्योंकि फ़िश फ्राई करना है इसमें। अब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ही इसमें फ़िश ऐड करें। अगर ऑयल आपका अच्छे से गर्म नहीं होगा तो इसमें आपकी फ़िश चिपक जाएगी, उससे आपकी फ़िश टूट सकती है। इसलिए जब ऑयल आपके अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें फिश को ऐड करें और मीडियम फ्लेम पर फ़िश को फ्राई करें। ये देखिए, जब एक तरफ आपका फ़िश अच्छे से लाल हो जाए फिर उसको दूसरी तरफ पलट देना है। ये देखिए, हमारा फ़िश कितने अच्छे से फ्राई हुआ है, कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल कढ़ाई पे चिपका भी नहीं है। इसलिए फ़िश को जब भी फ्राई करें तो उसे अच्छे से ऑयल को गर्म कर ले। कढ़ाई आपकी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तब आपका फ़िश एकदम परफेक्ट फ्राई होगा। बहुत लोगों का ऐसा होता है, फ़िश फ्राई करते वक्त चिपक जाता है या टूट जाता है। इसका कारण यही है कि तेल ठंडा होता है, इसी वजह से। अब मेरी फ़िश अच्छी से फ्राई हो गई है। अब मैं सारे फ़िश को निकाल लूँगी। देख सकते हैं फ़िश का कलर कितना अच्छा आया है, अब बिल्कुल भी अच्छे से फ्राई हो गया है। ऐसे करके मैं और भी सारे फ़िशेस को फ्राई कर लूँगी। जब तक हमारे इधर फ़िश फ्राई हो रहा है तब तक मसाले रेडी कर लेंगे, क्योंकि फ़िश फ्राई होने में टाइम लगता है। तब तक इधर मसाले रेडी कर ले। ये हमारे मसाले हैं। इधर हमारा सारा फ़िश फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं। फिर उसी कढ़ाई में, उसी ऑयल में मैं अब मसाले ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ते ऐड कर दिए हैं। खड़े मसाले में मैंने 2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और 2 लौंग लिया है। अब मैंने 4 मीडियम साइज़ के यहाँ प्याज कट किए थे। प्याज को अच्छा से बारीक काट ले। सारे प्याज को इसमें ऐड कर दे। प्याज जितना बारीक कटेगा उतना जल्दी वो गल जाता है, इसीलिए प्याज को बिल्कुल बारीक काट ले। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जब भी प्याज को फ्राई करें तो उसमें नमक ऐड कर दे। नमक ऐड करने से प्याज बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें अब मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया है। फिर अच्छे से मिक्स कर ले। अब प्याज को हमें अच्छे से ब्राउन करना है। इसे हमें ढक कर पकाएं ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। 5 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मैंने जो अदरक लहसुन लिया था उसका पेस्ट बना लिया है, तो यहाँ पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। फिर इसमें मैंने 3 चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच नमक, और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। इससे सब्ज़ी की कलर अच्छी आती है। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, ये तीखा नहीं होता है, बस इससे कलर अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लें।
हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे ढक कर पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। 5 से 7 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला का कितना अच्छा कलर आया है, ऑयल भी इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। किसी भी सब्जी में कस्तूरी मेथी डालने से उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे आधी कटोरी दही लिया है, फ्रेश दही। दही में ज़्यादा खट्टापन नहीं होना चाहिए। जब भी दही को ऐड करें तो आपका फ्लेम बिल्कुल लो या गैस को थोड़े देर के लिए ऑफ़ कर दे। मैंने यहाँ गैस को ऑफ़ कर दिया है, इससे आपकी दही फटेगी नहीं। आप गैस को ऑन कर दें। अगर आप मीडियम फ्लेम पे दही ऐड करेंगे तो आपकी दही फट सकती है, इसीलिए जब भी दही ऐड करें तो गैस को या तो बिल्कुल लो कर दें या तो थोड़े देर के लिए ऑफ़ कर दें। ये देखिए हमारा दही बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना है, क्योंकि मैंने दही ऐड करते वक्त गैस को थोड़े देर के लिए ऑफ़ कर दिया था, फिर उसे ऑन कर दिया। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे ताकि हमारा जो दही का कच्चापन है वो निकल जाए और मसाले भी अच्छे से पक जाए। 5-10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी। ये देखिए हमारी सब्जी की कलर कितनी अच्छी आई है और हमारा दही भी बिल्कुल नहीं फटा है, देख सकते हैं आप। अब मैंने मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है बिना ढके, मीडियम फ्लेम पे। मसाला जितना अच्छा फ्राई होगा सब्जी आपकी उतनी स्वादिष्ट बनेगी। अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उसी अनुसार पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मछली में थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करें, क्योंकि जब आप इस पर मछली ऐड करेंगे तो वो पानी बहुत सोखता है, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना चाहिए। जब इसमें उबाल आ जाए तभी मछली को ऐड करें। देखिए हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम मछली को ऐड कर देंगे। मछली को इसमें धीरे धीरे डाल दें सारे को। अब इसे बहुत चलाना नहीं है, नहीं तो मछली टूट जाएगी। इसे धीरे धीरे से इसमें डुबो देना है, बस हल्के हल्के हाथों से इसे चला देना है, क्योंकि इसको अब चलाने से मछली टूट जाती है, इसलिए ज़्यादा इसको चलाना नहीं है। अब इसमें हम फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा और हरी धनिया ऐड करने से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसे हम ढककर थोड़े देर पकाएंगे ताकि हमारा ग्रेवी थोड़ा थिक हो जाए। अब हम 5 मिनट बाद चेक करेंगे। ये देखिए हमारा ग्रेवी भी थिक हो गया है और हमारी मछली की कलर कितनी अच्छी आई है। ये कितना अच्छा लग रहा है ये हमारी दही वाली फ़िश करी देखकर। अब हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए तो मैं गैस को ऑफ़ कर दूंगी। ये हमारा फ़िश करी बनकर रेडी है। देखिए अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आए तो आप ये वाली रेसिपी उन्हें बनाकर खिलाएं, उन्हें बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, तो सोचिए खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। आप भी अगर फ़िश खाते हैं तो दही वाली फ़िश करी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में।